दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है हॉलिडे। कहानी कुछ इस तरह है कि अक्षय कुमार एक मिलिट्री मैन है जो घर वापस आ रहा है। मम्मी डैडी और दो बहनें रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही हैं क्योंकि उनको अक्षय कुमार को एक लड़की को दिखाने जाना है जिससे उसकी शादी होनी है। रास्ते में कुछ ट्रेन की प्रॉब्लम होती है, जितने मिलिट्री मैन है वो उतर जाते हैं, वहाँ एक फ्रेंडली फाइट होती है, उसके बाद हमारे गोविंदा साहब चीची की एंट्री होती है जो ऐसे ऐसे चल के आते हैं और वो अक्षय कुमार के सीनियर हैं। इस सीन को कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई बट बना नहीं है। अक्षय कुमार मुंबई पहुंच जाता है, फैमिली उसको सोनाक्षी के घर लेके जाती है जहां सोनाक्षी को वो देखता है। इस सीन को भी कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई, ये भी नहीं बना। इसके बाद हीरो हीरोइन की थोड़ी बहुत यहां वहां टशन होती है और अक्षय कुमार का एक दोस्त है जो मुंबई पुलिस में काम करता है, अक्षय कुमार अपना पूरा वक्त उसके साथ गुजारने लगता है। इसी दौरान उसको पता चलता है कि मुंबई में टेररिस्ट घुसे हुए हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हैं। अब अक्षय कुमार इस आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के काम पर लग जाता है। अरे यार, लेकिन हम सोनाक्षी को तो भूल ही गए। तो सोनाक्षी जी भी हर 5-7 सीन के बाद आती है, 2-4 लव स्टोरी जैसी बातें करती है, एक गाना गाती है और चली जाती है। अक्षय कुमार आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म कर पाता है या नहीं, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं कि इस कहानी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ये कहानी कई फिल्मों को जोड़ के बनाई गई है, जैसे स्पेशल 26, वेडनेसडे, मद्रास कैफे, इन सब को त्रोड़ मरोड़ कर ये कहानी बनाई गई है। जो डायरेक्टर साहब हैं मुरुगदास, उनकी ये दूसरी फिल्म है। उनकी पहली फिल्म गजनी थी जो सुपर डुपर हिट थी। मुरुगदास साहब के ऊपर बहुत ही प्रेशर था, इसलिए वो हर हाल में एक हिट फिल्म बनाना चाहते थे। बट प्रॉब्लम यह है कि वो इस कहानी को ना ही रियल बना सके, ना ही फिक्शन बना सके, ना ही 100% मसाला बना सके जैसे राउडी राठौर थी। बट उन्होंने एक चीज को रिपीट जरूर किया है कि देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट होते हैं और देश के बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, न जाने कितने लोग उन आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। तो यह कहानी एक मजाक लगती है, बहुत ही बिखरा हुआ है और बहुत ही फनी है। डायलॉग्स नाम की कोई चीज फिल्म में है नहीं, बहुत ही एवरेज किस्म का है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको यह कहा जाए कि वाह क्या एक्शन था। बहुत अच्छा है क्योंकि लिरिक्स इरशाद कामिल साहब ने लिखे हैं जो बहुत बढ़िया उर्दू लिखते हैं। वो उन राइटर्स की तरह उर्दू नहीं लिखते जो भट्टाचार्य, वर्मा, शर्मा, परमा, कुमार उर्दू की टांग वांग तोड़ के, उर्दू का सत्यानाश करके, उर्दू की मां बहन करके लिखते हैं। प्रीतम ने हमेशा की तरह बहुत बढ़िया गाने बनाए हैं। फिल्म में 3 गाने हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं। जहां जहां गाने आते हैं फिल्म एकदम अलग लगने लगती है, फिल्म एकदम लव स्टोरी लगने लगती है। बहुत ही एवरेज है। डायरेक्टर साहब पूरी तरह कंफ्यूज थे, वो ये ही डिसाइड नहीं कर पाए कि वो एक रियलिटी बेस्ड फिल्म बनाना चाहते हैं जैसे वेडनेसडे थी, वो एक मसाला फिल्म बनाना चाहते हैं जैसे राउडी राठौर थी, या वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जैसे स्पेशल 26 थी।
बट क्योंकि डायरेक्टर की यह दूसरी फिल्म थी गजनी के बाद, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, उनको किसी भी हाल में एक हिट फिल्म बनानी थी, इसलिए उस प्रेशर में वो पूरी तरह बिखर गए। कई सीन तो उन्होंने ऐसे शूट किए हैं कि सीरियस सीन पे हंसी आ जाती है, जैसे विलेन अक्षय कुमार के हाथ पैर तोड़ देता है और फिर अक्षय कुमार खड़ा होता है और अपने हाथों की और पैरों की हड्डियों को ऐसे जोड़ता है, कड़क कड़क कड़क। तो वहां मुझे लगा कि शायद ये फिल्म अब रोबोट पे चालू हो गई है। और जैसे जिस विलन को, जिस बॉस को अक्षय कुमार इतनी देर से ढूंढ रहा था, उसने अपना अड्डा मुंबई इंडिया गेट के पास ही, जहां बहुत सारे शिप हैं, वहीं एक शिप पे बनाया हुआ है। लोग बाकायदा बाहर गन्स वन्स लेके खड़े हुए हैं, बट किसी को पता नहीं है कि भाई इतना बड़ा अड्डा यहां चल रहा है। अक्षय कुमार साहब ने वैसी ही एक्टिंग की है जैसी वो हमेशा करते हैं, हर फिल्म में करते हैं। सोनाक्षी जी का रोल बहुत छोटा था, बट उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और वो अच्छी भी लगी है। गोविंदा गेस्ट अपीयरेंस में है, उनके दो तीन सीन हैं, बट वो बड़े अजीब लगे हैं। जो नया लड़का है फरहाद, मेन विलन, वो प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वो बोला भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर यह फिल्म उतनी ही अच्छी है जितनी खिलाड़ी 786 थी या बॉस थी। तो मैं समझता हूं कि यह फिल्म उतना ही बिजनेस करेगी। मैं देता हूं इसको 2.5 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 3, क्योंकि मैं समझता हूं कि फिल्म 65 से 75 करोड़ के बीच में बिजनेस करेगी। अगर आप भी देखना चाहें तो जाइए एंड एंजॉय द फिल्म।